ये कौन है? मेरा बेटा है, इधर देखो। ये बाबू है मेरा ऋषभ, जिनका आज जन्मदिन है। और किसका बर्थडे है? मैं केक नहीं काट रहा हूँ आज, आज सिर्फ अपने बच्चों के साथ पूजा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ी घटना हो गई थी, उसकी वजह से। बस मैं यही दुआ करता हूँ कि उन बच्चों को जो हैं अभी दुनिया में, उनको कोई तकलीफ ना हो, ईश्वर से प्रार्थना है। लव यू, प्रणाम सबको, दिल से थैंक यू। और मैं हर साल अपने बेटे ऋषभ का बर्थडे मनाता हूँ धूमधाम से। सबको थैंक यू बोलो, बोलो लव यू, लव यू बोलो बाबू, सबको लव यू बोलो, प्लीज़ बोलो। गलत बात है ना, सब लोग बोल रहे हैं ऋषभ, देखो सब लोग आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, देखो बोलो थैंक यू, हाँ लव यू बोल दो, नहीं शर्म करते, बोलो लव यू, सब देखेंगे ना आपको बेटा, लव यू। और हर साल हम मनाते हैं अपने बेटे का धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं, पूरी इंडस्ट्री और लोग, सब लोग प्यार देने आते हैं। लेकिन इस बार मैं नहीं मना रहा हूँ, कुछ वजह है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बच्चों को देहांत हो गई, और वो बिहार के बच्चे भी हमारे परिवार के बच्चे थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हैं, और उनके साथ साथ मैं अपने बच्चे के साथ साथ उनके लिए भी आज पूजा रखा हूँ, ताकि जो हैं वो सलामत रहें। अगर हमारे बिहार में इतनी बड़ी घटना हो गई है तो हम खुशियाँ नहीं मना सकते, क्योंकि अगर हम दुनिया से जुड़े हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम हर एक खुशी की, हर गम के साथ रहें अपने पब्लिक और अपने लोगों के। तो सॉरी, मैं अपने बेटा ऋषभ का बर्थडे नहीं मना रहा हूँ, इसलिए कि बस वही एक वजह थी, और मैं सामने से जाकर देखा था उस वजह को, उस चीज़ों को। बेटा आप क्या कर रहे हैं? देखिए ये मेरा रीन है, ये मेरा छोटा सा बाबू है, ये भी, ये बहुत काटता है बाबू, सोना। ए रेन रेन, ये देखो, ये देखो, तो ये देखो। तो थैंक यू ऑल, सबको दिल से, कि और आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे, और मेरे पेज पे शायद 8 लाख से ज़्यादा लोग हो गए हैं, जो मुझे प्यार करने वाले लोग जो मेरे पेज पे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबको, और खासकर रंजीत, सबको दिल से थैंक यू बोल देना बाबू। और आज बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, अपने तरफ से मेरे बेटे के लिए शुभकामना ज़रूर दे दीजिएगा, लाइव आके या फेसबुक पे या जैसे भी हो, आप लोग आशीर्वाद इसके साथ साथ उन मुजफ्फरपुर से और पूरे बिहार के बच्चों को प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि जो चिमकी रोग का कहर बरस रहा है बिहार में, वो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बस